स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम परी है और मैं वेलनेस एंड फिटनेस कोच हूँ। इस वीडियो में मैं उन लोगों से स्पेशली बात कर रही हूँ जो वेट लॉस करने के लिए अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं। ऑल यू गाइस जो जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं और ब्रेकफास्ट छोड़ रहे हैं कि चलो एक मील को स्किप कर देते हैं, कैलोरी सेव होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा एंड वी विल लूज वेट फास्ट, तो ये बहुत गलत मिथ है जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो किसी ना किसी रीजन की वजह से अपने ब्रेकफास्ट को छोड़ देते हैं। शायद आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ, वर्किंग, आपके पास टाइम नहीं रहता है, आप जल्दीबाजी में घर से निकल जाते हैं टिफिन लेके और ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। सो ऑल यू गाइज जो ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज ब्रेकफास्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको दिन को हेल्दी बनाने में और आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने में। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शॉकिंग फैक्ट्स शेयर करूंगी कि वेट लॉस करने के लिए जो लोग ब्रेकफास्ट छोड़ रहे हैं उनको क्या आगे चल के डिसएडवांटेज होता है, और जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं पर किसी वजह से ऑयली और अनहेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं उनको भी नुकसान है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट की आइडियाज भी दूंगी जो जल्दी बन जाएंगे और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे और हेल्दी और फिट रहने के लिए भी मदद करेंगे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हाँ, उन लोगों को मैं जरूर रिकॉग्नाइज करूंगी जो मेरे वीडियो में बहुत टाइम से मेरे साथ बने हुए हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस चैनल को लाइक कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस डेली बेसिस पे मिलते हैं और फ्रैंकली बताओ कभी कभी तो मैं हैंडल ही नहीं कर पाती हूँ, एक एक दो दो दिन तक लगता है सारे मैसेजेस को रिप्लाई करने के लिए। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूंगी इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से चैनल पे आते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। कोई भी आपके पास टॉपिक है मुझे सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स पे। आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और किसी वजह से आप अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीकली मेरे बहुत सारे हेल्थ, फिटनेस, हर्बल से रिलेटेड वीडियोज आते हैं और वो आपको बहुत नॉलेज बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज व्हाई ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रेकफास्ट करना? रात को हो सकता है आपने लास्ट मील 8-10 बजे लिया होगा और उसके बाद आप सो गए होंगे। सो ब्रेकफास्ट का मतलब समझिए पहले। ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेकिंग योर ओवरनाइट फास्ट, जो रात भर आप सोए थे, क्योंकि सोने में तो कोई खाता नहीं है ना, हम सो गए तो रात भर आपकी बॉडी रिपेयर होती है। स्लीपिंग मीन्स योर बॉडी इज रिपेयरिंग फ्रॉम इनसाइड, आपके सारे ऑर्गन, बॉडी, टिश्यूज, सेल्स सब रिपेयर होते हैं। सो मॉर्निंग में आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का बहुत अच्छा होता है और उस समय अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। सो ब्रेकिंग योर ओवरनाइट फास्ट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। सो ऑफ्टन ब्रेकफास्ट को कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंच, डिनर ये सब इंपॉर्टेंट है पर ब्रेकफास्ट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मील ही आप स्किप कर रहे हैं, सोचिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात पे गौर करना। ब्रेकफास्ट मेटाबॉलिज्म हाई होता है और अगर आप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपकी बॉडी को रिप्लेनिश करता है इंटरनली, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्टअप करता है। बिकॉज यू आर ईटिंग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग, मेटाबॉलिज्म हाई है तो दिन भर बॉडी में एनर्जी रहेगी और उसकी वजह से क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ेगा, आप ज्यादा कैलोरी पूरे दिन में बर्न कर पाएंगे। जिनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वो जल्दी वेट लॉस नहीं कर पाते उसका वन ऑफ द रीजन होता है कि वो सालों से अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाता है, लो हो जाता है, वो ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर पाते। तो 1% 5 किलो तक वेट लॉस करता है और 1% 3 किलो ही करता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकफास्ट छोड़ रहा था कहीं ना कहीं बहुत सालों से, तो उसका मेटाबॉलिज्म लो है। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन, अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करना चाहते हैं तो हेल्दी ब्रेकफास्ट करना आपको स्टार्ट करना है। आपका जो ग्लाइकोजन लेवल होता है बॉडी का उसको भी रिस्टोर करने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट मदद करता है। बट मेक श्योर कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट ही करें तभी आपको ये फायदे होंगे। और जो न्यूट्रिशन बॉडी में सुबह सुबह जाएगा वो आपके ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके माइंड के अलर्टनेस और कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो किसी वजह से आप स्टूडेंट हैं, घर में हाउसवाइफ है, आपको काम करना पड़ता है, वर्किंग पर्सन है, आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, उन सब चीजों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मेक श्योर कि आज के बाद आप ब्रेकफास्ट जरूर करें। सो देयर आर मेनी अमेजिंग फैक्ट्स कम अप बाय द रिसर्च सेंटर कि जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो ब्रेकफास्ट ईटर्स आर मोर फिजिकली एक्टिव इन द मॉर्निंग देन कंपेयर्ड टू द पीपल हु आर नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट। वो लोग ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं।
कभी कभी आपने गौर किया होगा, लोगों को सुबह सुबह भी जवाई आती है. वाई? बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट. दूसरा, जो लोग ब्रेकफास्ट ईटर होते हैं उनका एनर्जी लेवल हाई होता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल ड्यूरिंग द डे बहुत अच्छा होता है, उन लोगों से कंपेयर करेंगे जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते. तीसरा, जो लोग ब्रेकफास्ट ईटर्स होते हैं वो अपने वेट को मेंटेन रखते हैं बेटर वे में, मतलब लॉन्ग रन में उनका वेट बढ़ता नहीं, वो हमेशा अपने वेट को फिजिकली फिट रखते हैं, अपने वेट को मेंटेन ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. और उन लोगों को वेट पुट ऑन होने की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं. जो लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं, द पीपल हु आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, उन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क और हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो भी कम होता है, रिड्यूस होता है लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में. मतलब जिनको 5 साल बाद होने वाला है और 5 साल पहले अगर उन्होंने हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना स्टार्ट किया तो उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं. सो ये रिसर्च कहता है कि जो लोग ब्रेकफास्ट ईटर्स है दे आर मोर फिजिकल एक्टिव, दे आर मोर एनर्जेटिक, दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड. वो लोग ही आइडल वेट में रहने के उनके चांसेस ज्यादा है और उनको ही जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती है वो उनको नहीं हो सकती और वो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते. उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है और बीमारी से लड़ने की ताकत उनकी अच्छी होती है जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं. नाउ यू आर गेटिंग अप विद अ क्वेश्चन कि मैम उन लोगों का वेट क्यों मेंटेन रहता है, वो तो एक मील ज़्यादा खा रहे हैं, हम तो एक मील कम खा रहे हैं, तो हमारा वेट क्यों बढ़ेगा? लेट मी इलैबोरेट. जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उनका वेट क्यों मेंटेन रहता है और उनके चांसेस कम होते हैं ओवरवेट बनने के, क्यों? क्योंकि जब आप सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लेते हो तो वहां पे आपका एपेटाइट कंट्रोल होता है. उन लोग जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते सुबह, वो खाने पे दोपहर को टूट पड़ते हैं क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया होता है, वो फीलिंग वेरी हंग्री और वो 2 की जगह 3-4 रोटी और बहुत सारा राइस खा लेते हैं. ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते. तो दैट्स वाई जो लोग सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं उनका एपेटाइट अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ दैट वो लंच में कंट्रोल्ड रहते हैं, उनका एपेटाइट कंट्रोल्ड रहता है, उनको पता होता है क्या खाना है क्या नहीं और वो लिमिटेड ही खा पाते हैं, तो उनका एपेटाइट अच्छा होता है, पहला रीजन. दूसरा, जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ना मॉर्निंग में, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल का फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है, मेंटेन रहता है. देखिए, जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल वैसे भी स्टेबल नहीं होता है, डायरेक्ट वो लंच कर लेते हैं एकदम से शुगर स्पाइक होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन होने के चांसेस कम होते हैं. इसलिए उन लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते. तो ये एक फायदा है ब्रेकफास्ट करने का और वेट मेंटेन जो मैं इलैबोरेट कर रही हूँ. तीसरा, जो मुझे लगता है जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ना उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से वो जो दोपहर को भी लंच कर रहे हैं वो भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उनकी कैलोरीज जल्दी बर्न होती है क्योंकि मॉर्निंग से ही उनका न्यूट्रिशियस मील शुरू हो गया था, तो मॉर्निंग से ही उनके मेटाबॉलिज्म की जो मशीन है वो शुरू हो गई, उसने कैलोरी बर्न करना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और इसलिए उनका वेट नहीं बढ़ता, मेंटेन रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बशर्त वो हेल्दी फूड खाए, पोर्शन कंट्रोल करे और अपना न्यूट्रिशन इनटेक का वो ध्यान रखे. जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उनका वेट क्यों मेंटेन रहता है? क्योंकि उनका एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होता है और वो लीन होने के चांसेस भी, थिन रहने के चांसेस भी उनके ज़्यादा होते हैं बिकॉज दे आर ईटिंग अ ब्रेकफास्ट. सो नाउ आई विल गिव यू सम आइडियाज ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट जो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा. अगर आप किसी वजह से वेट लॉस में है तो ये ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं, और अगर आप जल्दीबाजी में रहते, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं बहुत कम टाइम में बनने वाले ही ब्रेकफास्ट सजेस्ट कर रही हूँ. तो सबसे पहला जो वर्ल्ड फेमस है दैट इज़ फ्रेश फ्रूट्स, सर्विंग ऑफ 3, कोई भी 3 फ्रूट की सर्विंग लीजिए और कम से कम 5 नट्स, जो नट्स हैं हमारे उसको आप रॉ नट्स जो होते हैं उसकी 5 सर्विंग लीजिए, 3 फ्रूट्स की और 5 नट्स की सर्विंग मिला के एक प्लेट में, यह हो गया आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट. इसको आपको पकाने का कोई टेंशन नहीं है कि इसको पकाना है, सिजाना है, कुक करना है, आप इसको डायरेक्ट काट के बढ़िया फ्रेश धो के आप इसे खा सकते हैं और रॉ नट्स को आप रात भर भिगो के भी रख सकते हैं, देन अगले दिन खा सकते हैं. तो पहला ये हो गया. ऐसा ब्रेकफास्ट लेने से आपकी बॉडी में विटामिंस जाता है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा जाती है, एंटीऑक्सीडेंट जाता है, जिसकी वजह से आप पूरा दिन हेल्दी और एनर्जेटिक फील करते हैं. दूसरा जो ब्रेकफास्ट का आइडिया दैट इज़ ओवरनाइट सोक्ड ओट मील, जो कि बहुत फेमस है, इसकी बहुत सारी रेसिपीज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी. ओवरनाइट आप ओट्स को भिगो के रखिए, आप इसको योगर्ट में मिला के फिर बाद में ले सकते हैं, दही में, नेचुरल दही होनी चाहिए, उसमें कोई शक्कर, कुछ गुड़, कुछ भी मत मिलाइए, नेचुरल दही जो घर पे अगर आप बनाते हैं दही तो वो लीजिए. रात भर आप ओट्स को रखिए, आप उसमें कुछ सीड्स भी मिला के रख सकते हैं, जैसे
सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, फ्लेक्स सीड, ये सीड को रात भर आप ओट्स में भिगो के रखिए और अगले दिन योगर्ट के साथ आप उसे ले लीजिए। ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बस योगर्ट मिलाइए, मिक्स करिए और उसे खा लीजिए। जितना खाने के लिए टाइम लगेगा बस उतना ही। ओट मिल से आप वेट लॉस में भी आपको हेल्प मिलती है, बिकॉज इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, गुड कार्बोहाइड्रेट, और आपको फ्यूल देगा बॉडी को, मतलब दिन भर बॉडी में जो है वो एनर्जी रहेगी। तो नेक्स्ट इज होल व्हीट ब्रेड। होल व्हीट ब्रेड लीजिए और एक एग ऑमलेट आप ले सकते हैं कोरिएंडर के साथ मिक्स करके, एक ब्रेड के साथ एक वन एग ऑमलेट को मिक्स करके, उसके साथ आप कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लीजिए, तो ये ब्रेकफास्ट भी बहुत इजी रहता है, इसको भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मूदी। स्मूदीज जो होती है बहुत इजी होता है बनाना, फ्रेश फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, इसका स्मूदी आप बना सकते हैं। उसमें आप या तो स्कीम मिल्क ले लीजिए या फिर नेचुरल योगर्ट उसमें बनाइए, ऊपर से आप उसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए जूसर मिक्सर लगेगा, उसमें आपको स्मूदी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ हेल्दी स्मूदीज जो आप यूट्यूब पे देख के रेसिपी उसे बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है और वेट लॉस के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो हेल्पफुल होता है वेट लॉस के लिए भी और जल्दी बन जाता है, दैट इज अ प्रोटीन शेक। जैसे मैं प्रोटीन शेक लेती हूँ सुबह, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है, एक मिनट में मेरा प्रोटीन शेक बन जाता है। तो सारे पाउडर मिक्स करो, प्रोटीन पाउडर डालो एंड अगर आप उसमें नट सीड्स वगैरह डालने हैं वो डालिए, उसे मिक्स करके आप तुरंत ड्राई फ्रूट के साथ या फ्लेक्स सीड के साथ आप मिला के ले सकते हैं। सो प्रोटीन शेक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आप वेट लॉस और हेल्दी ब्रेकफास्ट के तौर पर ले सकते हैं। मेक श्योर कि जितने भी ब्रेकफास्ट मैंने बताए हैं इसको आप पोर्शन कंट्रोल करिए, क्योंकि हेल्दी फूड भी ओवर ईट अगर आप करेंगे तो भी वेट पुट ऑन होता है। तो लिमिटेड खाइए, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है मॉर्निंग में उतना ही खाना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कैलोरी मैनेज हो। 250 से ज़्यादा का आप ब्रेकफास्ट मत करिए, 250 कैलोरी का ही ब्रेकफास्ट हमें करना है अगर हमें वेट लॉस करना है और पूरा दिन हेल्दी और एनर्जेटिक रहना है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी वीडियो से रिलेटेड कमेंट हो, कुछ भी शेयर करना हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।